हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके के 25 क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आप ये भी देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टूडेंट लाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? आपको बताना है कि जो रिक्टर स्केल है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? आपको बताना है कि भागीरथी और अलकनंदा ये गंगा में कहाँ पर मिलती हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। भागीरथी और गंगा दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं, जो कि टेहरी गढ़वाल में है और यह एक हिंदुओं का प्रमुख तीर्थस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? आपको बताना है कि भारत सरकार ने जो अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए एक केंद्र स्थापित किया है उसका नाम क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? आपको बताना है कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो किस राज्य से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। देखिए मधुबनी पेंटिंग जो है वो मिथिला क्षेत्र, मूलतः उत्तर बिहार की ये परंपरागत चित्रकला की एक शैली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग हैं, जो कि हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? आपको बताना है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी, उनके काल में 61वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1989 में, 1989 में, तो इसमें मताधिकार के लिए जो न्यूनतम उम्र 21 था उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलो। एजरा कप जो है वो पोलो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? आपको बताना है कि मनसबदारी प्रणाली जो थी वो किसने आरंभ की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रण बोर्ड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? आपको बताना है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान में कहीं नहीं। संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय संविधान में जो उपयोग में हुआ है वो है राज्यों का संघ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान में कहीं नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो राजस्थान में नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन सा संशोधन
राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक किशोरावस्था मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? आपको बताना है कि मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अखिल सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? आपको बताना है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री अरविंदो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? आपको बताना है कि किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वॉल्ट डिज्नी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरित्र लिखी? आपको बताना है कि तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरित्र लिखी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संगीत। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? बताना है आपको कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है, आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स ने इसमें से कौन सी बुक लिखी है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूत का लेखक कौन है? आपको बताना है कि मेघदूत किसने लिखी है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? आपको बताना है कि ये किस धारा के अंतर्गत कर सकता है ऐसा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धारा 32। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वैसे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? आपको बताने कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, देखिए यहाँ भारतीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय प्रायद्वीप की, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।